चलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे आज की इस वीडियो में। और आज इस वीडियो में हमारे पास है रॉयल इनफील्ड की बुलेट 350 स्टैंडर्ड, जिसे कि मीड के नाम से अभी जाना जाता है। इसमें टोटल 4 वेरिएंट्स आते हैं, जिसमें से ये सेकंड टॉप वेरिएंट है और इसका नाम मीड है। तो दोस्तों, अगर आज का ये वीडियो आपके किसी काम आता है तो मेरा चैनल ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं ऐसे ही ऑटोमोबाइल से रिलेटेड वीडियोज़ अपलोड करता रहता हूँ। और आपको इस गाड़ी से रिलेटेड या किसी दूसरी गाड़ी से रिलेटेड कोई इंक्वायरी होगी तो बिल्कुल आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज करके पूछ सकते हैं। सर्च करें प्रकाश महंत या फिर PM's मोटोग्राफी। So without wasting any time, let's start the video. तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं इस गाड़ी की चाबी से। तो कुछ ऐसी चाबी आपको इस गाड़ी में देखने को मिलेगी। रॉयल इनफील्ड की यहाँ पर बैजिंग मिलती है और सिंस 1901 यहाँ पर लिखा हुआ है। और अब बात करते हैं इस गाड़ी में मिलने वाली वेरिएंट्स की। तो इस गाड़ी में आपको टोटल 4 वेरिएंट्स देखने को मिलेंगे। पहला है इसका बेस मॉडल, उसके बाद आता है एक मिलिट्री सिल्वर, और उसके बाद आता है मिड मॉडल जो कि आप अभी देख रहे हैं, और उसके बाद आता है एक टॉप मॉडल। और अब बात करें इसके प्राइसिंग की, तो इस गाड़ी की प्राइसिंग है 1,97,500 रुपीज़ की, और इसकी ऑन रोड प्राइस है 2,30,000 रुपीज़। 10-15 हज़ार रुपये की और ऊपर आपको इसमें चार्जेस लग सकते हैं, क्योंकि इसमें जो आप ये लेग गार्ड देख रहे हैं वो एज एन एक्सेसरीज लगवाया गया है, और रियर पे ये ग्रैब हैंडल देख रहे हैं ये भी एक्सेसरीज पे लगवाया गया है। तो इन दोनों की कॉस्टिंग और भी कुछ कुछ छोटी मोटी चीज़ें लगाई गई है, जिनकी कॉस्टिंग को जोड़ करके ये गाड़ी ऑन रोड आया है 2,45,000 रुपीज़। तो चलिए अब जानते हैं इस गाड़ी के इंजन स्पेक्स। तो दोस्तों, इसमें आपको मिल जाता है 350cc सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड BS6 कंप्लाइंट पेट्रोल इंजन, विच जनरेट्स 20.2 BHP ऑफ पावर एंड 27 Nm ऑफ टॉर्क, एंड इट इज़ मेटेड टू अ 5-speed गियर बॉक्स। और इसमें आपको फ्रंट एंड रियर दोनों ही पे आपको डिस्क ब्रेक्स देखने को मिलेंगे विथ ड्यूअल चैनल ABS। और इनके साइज़ की बात करें तो फ्रंट पे आपको 300mm का डिस्क ब्रेक देखने को मिलेगा विथ 2 piston कैलिपर्स। और रियर पे बात करें तो रियर डिस्क ब्रेक की साइज़ है 270mm विथ सिंगल पिस्टन कैलिपर। और शॉक एब्जॉर्बर्स की बात करें तो फ्रंट पे आपको 41mm का टेलीस्कोपिक सस्पेंशन देखने को मिलेगा, और इसकी ट्रैवल की बात करें तो 130mm की इसकी सस्पेंशन ट्रैवल है। और रियर की बात करें तो ये 6-step एडजस्टेबल शॉक एब्जॉर्बर आपको रियर में देखने को मिल जाएगा। और बात करें इसके शैसी की, तो ये गाड़ी बनाई गई है ट्विन डाउन ट्यूब स्पाइन फ्रेम शैसी पे, जो कि काफ़ी अच्छा स्ट्रॉन्ग एंड रिजिड है, हाईवे पे काफ़ी अच्छी स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है, और काफ़ी अच्छा इसका टायर का थिकनेस भी है, और ओवरऑल लुक तो है ही बहुत बढ़िया। स्टैंडर्ड के ही लुक में है ये, या स्टैंडर्ड ही कह सकते हैं आप इसे, बट ये सेकेंड टॉप मॉडल है चारों मॉडल्स में। फ्रंट पे देखेंगे इसके मिरर्स को क्रोम फिनिश के साथ कितने बेहतरीन दिख रहे हैं, और उसके नीचे ये देख सकते हैं इसके पायलट लैंप्स और हेडलैम्प देख सकते हैं, जिसके बीच में रॉयल इनफील्ड की बैजिंग दी हुई है, और इंडिकेटर के डिज़ाइन कुछ ऐसे दिए हुए हैं। और इसके सस्पेंशन में भी आपको रिफ्लेक्टर्स देखने को मिलेंगे। फ्रंट पे यहाँ पर देख सकते हैं 100x90 19 inches के ट्यूबलेस टायर्स। और रियर टायर की बात करें तो रियर पे 120x80 18 inches के ट्यूबलेस रेडियल टायर्स हैं। और इस साइड से इसके चैन का कवर देख सकते हैं, ओपन चैन स्प्रॉकेट। और इसके पेडल्स को देख सकते हैं, फुट रेस्ट को, जिसमें कि रॉयल इनफील्ड की बैजिंग दी हुई है। और इसके साइड स्टैंड को देख सकते हैं, और कुछ इस तरीके का दिखता है इसका इंजन। और यहाँ पर बुलेट 350 की बैजिंग और फ्यूल टैंक देख सकते हैं। और माइलेज की बात करें तो अराउंड सिटी में ये गाड़ी आपको 30 किलोमीटर के आसपास दे दिया करेगी, और हाईवे की माइलेज की बात करें तो अराउंड 42 किलोमीटर के आसपास की माइलेज आपको इस गाड़ी से देखने को मिल जाएगी। और फ्यूल टैंक कैपेसिटी की बात करें तो इसमें आपको 13 लीटर्स का फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिलता है। और अब आते हैं रियर पे, तो रियर पे देख सकते हैं ग्रैब हैंडल का लुक कितना बेहतरीन आ रहा है,
और कुछ ऐसे डिज़ाइन दिए हुए हैं इसके टेल लैम्प्स के, क्रोम ट्रीटमेंट काफ़ी अच्छे दिए हुए हैं यहाँ पर स्टॉप लैम्प के सराउंडिंग्स पे, और कुछ ऐसे इसके हैं रियर इंडिकेटर्स। और इसका जो मड गार्ड है थोड़ा सा स्क्वायर यहाँ पर देखने को मिलेगा, और इससे पुराना जो स्टैंडर्ड आता था उसमें पूरा ये राउंड शेप का रहता था इसका रियर मड गार्ड, तो ये भी एक मेजर डिफरेंस है इस नए मॉडल में। और इसकी एक चीज़ मुझे अच्छी नहीं लगी जो कि है इसका नंबर प्लेट, नंबर प्लेट के नीचे में देख सकते हैं इसका मड गार्ड है ही नहीं, तो इस साइड से देखने में ये गाड़ी आपको कुछ ऐसी लगेगी जैसे कि इसके मड गार्ड को पीछे से काट दिया गया है, या फिर कोई सी बॉबर सेगमेंट की बाइक की आपको ये याद दिलाएगी। और अभी जो आप इसमें एग्जॉस्ट देख रहे हैं वो स्टॉक एग्जॉस्ट है। और ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो 170 mm की इस गाड़ी की ग्राउंड क्लियरेंस है, और सीट हाइट है 805 mm की, और कुछ ऐसे सीट्स दिए हुए हैं इसमें, दो लोग काफ़ी आराम से कंफर्टेबल इसमें बैठ सकते हैं, लंबी जर्नी ट्रैवल कर सकते हैं। और रियर पैसेंजर को इसका जो ग्रैब हैंडल है ये काफ़ी ज़्यादा कंफर्ट देगा यहाँ पर इस पैडिंग के वजह से, और 90 इयर्स से चलते आ रही है ये बुलेट, अभी तक डिसकंटिन्यू नहीं हुई है। तो चलिए अब इसके मीटर कंसोल को देखते हैं, तो यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर भी काफ़ी आपको क्रोम ट्रीटमेंट्स देखने को मिलेंगे सभी तरफ, यहाँ पर मीटर पर भी देख सकते हैं, और ये की यहाँ पर फॉब दिया हुआ है इसके सराउंडिंग में भी, तो यहाँ पर देख सकते हैं ऑफ ऑन लिखा हुआ है निशन, तो हम पहले इसे कर लेते हैं ऑन। चाबी लगाने के बाद ऑन करने पे कुछ ऐसा आपको वेलकम फीचर देखने को मिलेगा, और यहाँ पर देख सकते हैं स्पीडोमीटर 160 तक दिख रहा है इसका टॉप स्पीड, हालांकि ये गाड़ी जो है अराउंड 120 से 130 के बीच जाएगा इसका टॉप स्पीड। और यहाँ पर रॉयल इनफील्ड का ब्रांडिंग, और न्यूट्रल की लाइट, और बैटरी ABS, और इंजन चेक, और भी कुछ कुछ इसमें है लाइट्स जिसे मैं दिखाता हूँ। इस साइड पे इसका हज़ार्ड स्विच दिया हुआ है, हज़ार्ड सिग्नल ऑन करने पे यहाँ पर देखेंगे कुछ ऐसा लाइटें ऑन हो जाती है, और हज़ार्ड सिग्नल ऑफ। और ये इसका किल स्विच है जो कि अभी बीच में है, इस साइड करेंगे तो गाड़ी बंद हो जाएगी, और इस साइड करने पर लेफ्ट साइड करने पर जो है इंजन स्टार्ट हो जाएगा। तो ये देख सकते हैं कुछ ऐसा है गाड़ी का साउंड, अभी मैं सब साइड से आपको इसका एक बार साउंड सुना देता हूँ, ईयरफोन यूज़ कर लें ताकि आपको इस गाड़ी की साउंड अच्छे से सुनने को मिल जाए। अब थोड़ा सा मैं एक्सेलरेट करता हूँ, को देख सकते हैं कैसे हिल रहा है एक्सीलरेट करने की वजह से, साइलेंसर की हवा वहां तक जा रही है। और अब यहां से हम कर देते हैं इसके इंजन को ऑफ, कुछ ऐसे करने से जो है इसका इंजन बंद हो जाएगा। और स्विचेस की बात करें तो इस साइड पे किल स्विच है, और यहां पर हजार्ड का स्विच दिया हुआ है, और इस साइड पे देखें तो यहां पर पास का स्विच दिया हुआ है ऊपर में, और इसके नीचे है इसका इंडिकेटर का स्विच, और यहाँ पर है हॉर्न का स्विच। हॉर्न एक बार दबा के सुनाऊं तो कुछ ऐसा आवाज़ है हॉर्न का, ये सुन सकते हैं, ये स्टॉक ही है। और इस साइड पे आपको इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर का एक कंट्रोल बटन दिखेगा, तो अभी इस बटन को प्रेस करके मैं दिखाता हूँ, जैसे एक बार इसे दबाएंगे तो अभी देखिएगा ये ट्रिप वन, ट्रिप टू, और ये टाइम, और यहाँ पर है ओडोमीटर। तो बस यही कुछ फीचर्स हैं इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में। तो अब मैं आपको इसका चार्जिंग वाला प्लग दिखाता हूँ, तो यहाँ पर है जो क्लच का लीवर है जस्ट इसी साइड पे, थोड़ा सा हिडन प्लेस पे है ये, देख सकते हैं यहाँ पर आप केबल लगा के अपने फ़ोन वगैरह को चार्ज कर सकते हैं। तो दोस्तों ये तो था हमारे रॉयल इनफील्ड बुलेट 350 स्टैंडर्ड का रिव्यू, उम्मीद करता हूँ आज का ये वीडियो आपके
काम आया होगा। अगर काम आया है तो मेरे चैनल ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं ऐसे ही ऑटोमोबाइल से रिलेटेड वीडियोस वगैरह अपलोड करता रहता हूँ। और आपको इस गाड़ी से रिलेटेड कोई इंक्वायरी होगी तो बिल्कुल आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज करके पूछ सकते हैं, सर्च करें प्रकाश महंत। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज डू सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल PM's फोटोग्राफी। मिलते हैं ऐसी किसी नेक्स्ट वीडियो में।